हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रिलियंट ब्यूटी पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है, वो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल होती हैं। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वीडियो, वो है हम घर पर ही फेशियल कैसे करें। ठीक है, घर पे ही हम फेशियल कैसे करें, बिल्कुल पार्लर जैसा निखार आएगा। आप करके देखिएगा, इस जो मैं आपको होम रेडमी बताने वाली हूँ फेशियल की, वो आप घर पे करके देखिएगा कि आपको कैसी लगती है। ठीक है, उनमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताती रहूँगी। ठीक है, पहले जो हमें चीज़ चाहिए है वो होगी दही। ठीक है, ठीक है, वो है दही। ठीक है, हमने दही लेनी है बिल्कुल गाढ़ा। ठीक है, बिल्कुल गाढ़ा। अगर आपके पास पतली दही तो उसको थोड़ी छान लीजिए छलनी में, तो जो वो ऊपर बचेगी उसके साथ आपने फेस पे लगानी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको फेस को बिल्कुल धो लेना है अच्छे से। ठीक है, फिर क्या करना है, दही लेके थोड़ा सा, ठीक है, इसमें दही, दही में आप गुलाब जल का भी यूज़ कर सकते हैं, वरना आगे भी गुलाब जल का यूज़ होगा। आप पहले क्या करना है, दही लेना है, दही से अपने फेस पे ऐसे मसाज करनी है। ठीक है, 2 मिनट के लिए अपने फेस को क्लीन करना है बिल्कुल। ठीक है, पहला 2 मिनट के लिए आपको क्लीन करना है फेस। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप अपना क्लींजिंग का है। ठीक है, अपने चेहरे की से क्लींजिंग करेंगे दही से। ठीक है, 2-3 मिनट के लिए हम अपने चेहरे पर इसको मसाज करेंगे इसके साथ सर्कुलर मोशन में। ठीक है, पहले तो इसको, फिर अच्छे से इसको साफ कर लेना है आपको। ठीक है, फिर दोबारा क्या करना है, अच्छे से इसको साफ कर लेना है। और जो दूसरा है, फिर हमने क्या करना है, स्क्रबिंग। ठीक है, तो आगे मैं बताती हूँ वो किस किस चीज़ की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हमने क्लींजिंग करने के बाद चेहरे को अच्छे से धो लेना है, फिर करना है स्क्रब। ठीक है, स्क्रब में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, हमने लिया बाउल और उसमें लेना है हमें चावल का आटा। ठीक है, दुर्धरा सा पिसा हुआ चावल का आटा लेना है। 1 चम्मच मैंने चावल का आटा लिया है, आप इसकी जगह पिसी हुई चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चावल का आटा, और लेनी है इसमें 1/2 चम्मच दही। ठीक है, ये देखिए इस तरह है, दही और चावल का आटा। तो इसको क्या करना है, अपने फेस पे लगाकर स्क्रब करना है। ठीक है, तो स्क्रब से पता है आपको कि आपका फेस कितना क्लीन होगा। ठीक है, 4-5 मिनट के लिए आपको स्क्रब करना है इसका अपने फेस पे ऐसे, तो आपका चेहरा क्या बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। जो आपकी डेड स्किन है ना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो स्क्रब करना है, और स्क्रब से क्या है, जो हमारी डेड स्किन है वो बिल्कुल खत्म होगी। ठीक है, और इसको क्या है, हफ्ते में हमें 3-4 बार जरूर स्क्रब करना चाहिए। ठीक है, कॉफी के साथ करो, या आपकी स्किन पे जो भी सूट करता है। पहली बात तो जो भी आपकी स्किन पे सूट करता है आपको उन्हीं चीज़ों का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपको लगता है कि हमारी स्किन पे ये चीज़, नींबू हुआ, टमाटर हुआ, जो भी गुलाब जल या कुछ भी चीज़ है, अगर आपकी चेहरे पे सूट करती है तो ही आप चीज़ लगाएं, वरना उसको स्किप कर दें। ठीक है, तो मैंने चावल का आटा और दही लिया था, इसे अपने चेहरे पर स्क्रब ऐसे स्क्रब करना है। ठीक है, तो 2-3 बार तो आप इसमें हफ्ते में 2-3 बार आप स्क्रब जरूर करें, जिससे आपका चेहरा बिल्कुल क्लीन होगा। ठीक है, जो दूसरा स्टेप था हमारा फेशियल का, वो है स्क्रब। ठीक है, इसको 4-5 मिनट के लिए मसाज करके फिर आपने अपने चेहरे को अच्छी तरह धो लेना है। ठीक है, और जो तीसरा है वो है फेस पैक। ठीक है, उसमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़नी है हमको, वो मैं अभी बताती हूँ। ठीक है, हमारा स्क्रब हो गया है, तो अब हमने जो तीसरा स्टेप लेना है वो है फेस पैक। ठीक है, उस फेस पैक में हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो अभी मैं बताती हूँ। ठीक है, तो हमें पहले लेनी है इसमें 1 चम्मच दही। ठीक है, दही ली है, फिर हमने लेना है इसमें बेसन। ठीक है, देखो 1 चम्मच मैंने इसमें बेसन लिया है। ठीक है, तो जो तीसरा है वो लेना है हमें इसमें गुलाब जल। ठीक है, जो तीसरा हमने वो लिया है थोड़ा सा इसमें गुलाब जल, और गुलाब जल के बाद हमने लेना है इसमें कोकोनट ऑयल। ठीक है, जो आपकी स्किन को सूट कर सकता करता हो, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, बादाम का तेल या कोई भी, तो मैं इसमें मिला रही हूँ कोकोनट ऑयल।
देखिए ये मैंने लिया है कोकोनट ऑयल, ठीक है, जो आपकी स्किन को सूट करता हो आप वो उस ऑयल का इसमें यूज़ कीजिए। तो ये जो फेसियल है आपके, अगर मतलब बहुत ही काम आने वाला है फेस पे, ये ज़रूरी नहीं कि फेसियल के टाइम में, आप वैसे भी इस फेस पैक का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपके जो रिंकल वगैरह आ गए ना आपके चेहरे पे, ठीक है, पिंपल वगैरह है, जो भी है, जो भी स्किन की प्रॉब्लम है, ये फेस पैक आपकी स्किन की प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक कर देगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फिर ये फेस पैक अपने चेहरे पर ऐसे लगा लेना है, ठीक है। अपने चेहरे पर लगा के तो इसको 10-15 मिनट के सूखने तक इसको छोड़ देना है। तो 10 मिनट बाद आपको क्या करना है, अपने चेहरे से इसको उतार लेना है, ठीक है। आप नींबू के साथ भी उतार सकते हैं, थोड़ा नींबू का रस इसमें मिला के, तो आप उसको जो बचा हुआ नींबू है उसको आप ऐसे फेस पे घिसा के उसको उतार सकते हैं। अगर आप नींबू नहीं लेना चाहते तो वैसे भी आप इसको उतार सकते हैं, धो के अपने फेस को अच्छे से ठंडे पानी से, गर्मियों के मौसम में क्या है, आप ठंडे पानी से अपने फेस को धो के इसको उतार सकते हैं, ठीक है। और जो आखिरी है वो हमने क्या करना है, फिर धो के अपने फेस को अच्छे से गुलाब जल अपने चेहरे पर लगा ले। गुलाब जल आपके चेहरे को सूट नहीं करता तो आप एलोवेरा जेल अपने फेस पे लगा ले, ठीक है। आप देखोगे कि ये तीनों स्टेप करके आप देखोगे कि हमारे चेहरे पर क्या है, बिल्कुल पार्लर जैसा निखार आ गया है, ठीक है। ये होम रेड में बिल्कुल अच्छी है, अपने अगर आपको पार्लर में जाने का टाइम नहीं है तो ये आप घर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप देखोगे कि आपका चेहरा कितना क्लीन हो गया है, साफ़ हो गया है, ठीक है। आप ये यूज़ करके एक बार ज़रूर देखना। थैंक यू।